वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जैक की मशीन है, जैक की मशीन की जो हुक की टाइमिंग है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैक की मशीन के हुक की टाइमिंग को किस तरह सेट करना है, कैसे सेट करते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, इसकी जो हुक की टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा आउट है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने आपके सामने ये बिल्कुल इसके हुक को किया हुआ है। दोस्तों, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे कितनी सुई जो है, निडल है जो हमारी, कितनी अटैच हो रही है। आप ये देखें, बैक करेंगे तो मशीन जो सुई है वो सिटल के ऊपर लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं, इसकी सेटिंग कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके लिए अब हम जो हुक पे जो पेज हैं इनको खोलेंगे। इनको खोलने के बाद दोस्तों, जब हम हुक के जो पेज हैं वो खोल लेंगे, खोलने के बाद फिर बाकी हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसके पेज को लूज़ किया और दूसरी साइड वाला भी, दोनों को लूज़ करने के बाद दोस्तों आपने ये काम करना है कि अब हमारी जो नीडल है वो इसको नीचे करना है। जब आप उसको नीचे करेंगे तो आपको ये सुई के दरमियान में सुराख के ऊपर, ये देखें दोस्तों, ये सुई का सुराख है, इसके ऊपर ये एक टक बना हुआ नज़र आएगा। आपने इसके टक के सेंटर से इसकी नोक को गुजारना है और इस तरह गुजारना है कि इसके साथ भी ना लगे। ये देखें दोस्तों, जब हमारी सुई नीचे आके ऊपर जाने लगे तो तब आपने इसको वहाँ से गुजारना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको, जिस तरह मैं आपको करके चेक करवाता हूँ, इसी तरह सेम आपने करना है ताकि आपकी मशीन का जो मसला है वो बिल्कुल हल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं गुजार रहा हूँ इसको, आपने भी सेम वैसे ही करना है। जब दोस्तों आपकी मशीन की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जहाँ पे इसको आपने वहाँ पे टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, अभी भी सेटिंग नहीं हुई। दोस्तों, ये शटल की जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी जाम है, इसलिए ये सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा। आप देखें दोस्तों, जहाँ पे ये देख सकते हैं जहाँ से ये अब गुजर रही है, इसी तरह सेम आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुई का टक के दरमियान से जो गुजर रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको इतना करीब से गुजारना है कि ये साथ अटैच भी ना हो और बिल्कुल सही तरह से वर्क करे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।